हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको टेक्निक नंबर 2 या फिर आप मेथड नंबर 2 कह सकते हैं, उसको डिस्कस किया था कि कैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको रिमूव करके उसको सोल्व कर सकते हैं। अभी आज हम उसी टेक्निक का यूज़ करके एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, नीचे एक कमेंट छोड़ दें आपके जो भी व्यूज़ हैं वीडियो के बारे में, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की मैं हेल्प कर सकूं। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही जो नोटिस है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे नोटिफिकेशन। तो इस तरीके से, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं, सर इसकी हमें फर्स्ट वीडियो मिल गई, सेकंड कहाँ मिलेगी, तो वो ऐसा होता है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच ही नहीं पाता भी कब कौन सी वीडियो डाली गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, जो स्टेटमेंट है, सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। यानी कि इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को आपने इस मेथड से सोल्व करना है, यानी कि जिसको हमने टेक्निक नंबर 2 नाम दिया था अभी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। स्टेटमेंट है, डबल डेरिवेटिव माइनस 2 बाय एक्स सिंगल डेरिवेटिव प्लस ए स्केयर प्लस 2 बाय एक्स स्केयर वाई इज इक्वल टू 0, राइट साइड में 0 है। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर आपने देखना है क्या ये नॉर्मल फॉर्म या फिर जर्नल फॉर्म में है कि नहीं। हाँ भाई, ये जर्नल फॉर्म में गिवन है, तो हम यहाँ से लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज इन द जर्नल फॉर्म। किस फॉर्म में है? जर्नल फॉर्म। और जर्नल फॉर्म कौन सी होती है कि डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर होता है। क्लियर, जहां पे है जो पी की वैल्यू होगी, जब कंपेयर करोगे तो पी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 2 बाय एक्स। क्यू की जो वैल्यू होगी वो वाई के साथ, यानी कि ए स्केयर प्लस 2 बाय एक्स स्केयर। एंड जो आर है राइट साइड में वो हमें क्या गिवन है? 0 है भी। क्लियर, उसके बाद अब हमें काम क्या करना है भी। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिमूव करने का तरीका था उसमें देखिए, बाय पुटिंग वाई इज इक्वल टू यू डॉट वी, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अब हमें क्या मिलता है? अब देखिए, पहले के क्वेश्चन में क्या करते थे 6.1 में भी, y को ये पुट किया, फिर dy बाई dx, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर इसके अंदर पुट कर दिया और फिर v की फॉर्म में कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आती थी। तो अब यहां से जो फॉर्म आएगी वो क्या आएगी? डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस पी डैश वी इज इक्वल टू क्यू डैश की वैल्यू आएगी। यानी कि जब आप y को u डॉट v पुट करोगे, जो जर्नल फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की, तो हमेशा आपको यही फॉर्म मिलेगी भी। ठीक है, और ये मेथड यूज कब करना है ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब हम इजिली, जो एक पार्ट है सीएफ का, वो ना तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकें और ना ही गिवन हो, जैसे 6.1 के लास्ट क्वेश्चन में था, कई जगह सीएफ का वो पार्ट था वो हमें गिवन होता था। क्लियर, तो अब हमें वैल्यू निकालनी है पी डैश और क्यू डैश की। अब आगे क्या लिखोगे? एज वी नो कि जो पी डैश होता है भी, पी डैश इक्वल होता है क्यू माइनस 1/4 पी स्केयर और माइनस 1/2 डी पी बाय डी एक्स के, ये हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जो क्यू की वैल्यू है वो ये है, यानी कि ए स्केयर प्लस 2 बाय एक्स स्केयर माइनस 1/4 पी का होल स्केयर करोगे, 2 का स्केयर कितना बनेगा? 4, और एक्स का स्केयर, एक्स स्केयर नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि माइनस का स्केयर करोगे तो प्लस ही आएगा, माइनस 1/2 डेरिवेटिव ऑफ पी, पी का जब डेरिवेटिव करोगे आप इस माइनस 2 को हटा दो, अकेला 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है भी? माइनस 1/x स्केयर, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि 2/x स्केयर डेरिवेटिव हो जाएगा। ये माइनस का 1/2 एज इट इज था, तो अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस का 1/x स्केयर और माइनस का 1/x स्केयर, माइनस का 2/x स्केयर और ये प्लस का 2/x स्केयर, तो ये सारे तो क्या हो गए? कैंसिल। ओनली क्या बचा? पी डैश की वैल्यू ए स्केयर। क्लियर,
अब जो Q डैश होता है वो होता है R अपॉन U, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था। अब हमें चाहिए U की वैल्यू, जो U की वैल्यू होती है e टू द पावर -1/2 इंटेग्रल पी डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ P होता है, ध्यान रखना है P डैश नहीं आएगा, e टू द पावर -1/2 इंटेग्रल, P की वैल्यू है -2/x, तो माइनस माइनस प्लस, इस टू से टू कैंसिल हो गया, 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन e टू द पावर लॉग एक्स, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ भी। तो u की वैल्यू आ गई, p डैश की वैल्यू आ गई, अब हमें q डैश की वैल्यू चाहिए। जो q डैश है उसको हम क्या लिखते हैं, r अपॉन u, और r की वैल्यू जीरो है, u की वैल्यू जो मर्जी हो रिजल्ट क्या बनेगा, जीरो। यानी कि q डैश हमारे पास आ चुका है भी, p डैश हमारे पास आ चुका है, तो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, लेट अस सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब आगे लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p डैश एंड q डैश इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। तो उसके अंदर हम पुट कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड के अंदर जब पुट करोगे तो डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डैश की वैल्यू क्या आई, ए स्क्वेयर वी इक्वल टू, अब क्यू डैश की वैल्यू क्या है, जीरो, तो ये हो गया जीरो, क्लियर। अब ये फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन हो चुका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशेंट। तो यहाँ से देखिए, इसमें से दोनों में से वी कॉमन ले लेते हैं, और ये जो डी बाई डी एक्स है उसको हम लिख लेते हैं डी, यानी कि कैपिटल डी स्केयर बनेगा ये, यहाँ से प्लस ए स्केयर, और ये क्या है, वी इजक्वल टू जीरो। यहाँ आप डिफाइन कर सकते हो वेर डी बाई डी एक्स इजक्वल टू, हमने क्या लिया है, कैपिटल डी लिया है, क्लियर, क्योंकि ये आप फोर्थ चैप्टर में पढ़ चुके हो भी। ये अब क्या होगी, सिंबॉलिक फॉर्म हुई कि नहीं हुई, उसके बाद देन इसकी हमें क्या निकालनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, वो क्या बनेगी, डी स्केयर और प्लस ए स्केयर, यानी कि सिंबॉलिक कोफिशेंट को जीरो पुट कर देंगे, डी स्केयर इज इक्वल टू माइनस का ए स्केयर, डी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस ए स्केयर का रूट ए, और आयोटा में आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब रूट किस टाइप के आए हैं, इमेजिनरी प्लस डिफरेंट। तो इसका जो सी एफ यानी कि वी की वैल्यू क्या होती है, सी एफ प्लस पी आई, तो इसका जो सी एफ बनेगा e टू द पावर अल्फा एक्स, अल्फा एक्स तो यानी कि अल्फा की वैल्यू जीरो है तो वन हो जाएगा वो e टू द पावर जीरो वन, सी वन, उसके बाद कोस बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू ए एक्स है, प्लस सी टू साइन बीटा एक्स यानी कि ए एक्स हो गया भाई। ये वैल्यू किसकी आई, वी की आई। अब देखो इसमें आपने पर्टिकुलर इंटेग्रल भी निकालना है, क्योंकि जो वी होगा आप ये ध्यान रखना वो सी एफ प्लस पी आई होगा, अगर वो इस टाइप की इक्वेशन बन के आती है तो, ठीक है ना। वो फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन भी बन सकता है, फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन भी बन सकता है, यानी कि ये स्टेप वो ऐड होने के बाद आगे ये फोर्थ फिफ्थ चैप्टर टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो v की वैल्यू होगी सी एफ प्लस पी आई। अब यहाँ मैं पी आई क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि राइट साइड में जीरो है। जब आप यहाँ पी आई निकालोगे पर्टिकुलर इंटेग्रल तो वो क्या होगा, वन ओवर एफ ऑफ डी, यानी कि डी स्केयर प्लस ए स्केयर, और साथ में क्या आएगा, जीरो, तो ये तो सारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस वजह से मैंने इसको लिखा नहीं है, कहीं ये समझो कि बस सी एफ निकालो और वो वी की वैल्यू होगी, आपने पी आई भी निकालना है, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, इतना नहीं। तो उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, हेंस द जर्नल सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, तो जर्नल सॉल्यूशन क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू यू डॉट वी, तो y इज इक्वल टू जो u की वैल्यू आई थी हमारे पास, एक बार चेक कर लीजिए कहाँ से था u, ये u रहा, u की वैल्यू x आई थी, और x इंटू में ये क्या आएगा, c1 cos ax प्लस c2 sin ax, यानी कि ये v की वैल्यू होगी। तो दिस मीन्स ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन भी, क्लियर। तो ये स्टेप्स रहेंगे, इनको आपने फॉलो करना है, तरीके आपको याद होने चाहिए, तभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड की स्टेटमेंट है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्केयर डबल डेरिवेटिव प्लस टू एक्स स्केयर सिंगल डेरिवेटिव माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू क्या है, जीरो है भी। तो यहाँ से देखिए, अब ये जर्नल फॉर्म में नहीं है, जर्नल फॉर्म यानी कि यहाँ हमें कोफिशेंट क्या चाहिए, वन चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डिवाइडिंग बाय, इसी से डिवाइड करना पड़ेगा तभी वन आएगा, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्केयर
बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड इससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ जब डिवाइड करोगे तो यहाँ तो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर सिर्फ यही बचा, प्लस ये टू एक्स स्केयर अपॉन, इससे डिवाइड करोगे तो इसमें से एक्स स्केयर कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा x माइनस टू, और ये क्या आया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस टू, और ऐसे ही यहाँ भी एक्स स्केयर कॉमन लेके इसको x माइनस टू लिख देते हैं, y इज इक्वल टू जीरो। अब ऐसा क्यों लिखा, ताकि यहाँ से तो ये एक्स स्केयर कैंसिल हो उसके और यहाँ से ये x माइनस टू कैंसिल आउट हो उसके भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब ये कैंसिल हो गया, तो आगे लिख देता हूँ मैं इसको डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस, अब 2 के अपॉन में आएगा x माइनस टू और डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब 12 बाई एक्स स्केयर और साथ में y इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है ना। अब ये किस फॉर्म में आ चुकी है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर की फॉर्म में आ गई, ठीक है ना। आप कंपैरिजन करके वैल्यू निकालोगे, वेयर जो पी की वैल्यू है वो 2 अपॉन एक्स माइनस टू बनेगी, क्यू की वैल्यू है माइनस ट्वेल्व अपॉन एक्स स्केयर बनेगी, एंड जो आर है वो क्या बनेगा जीरो। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब आपको राइट साइड में ये अंडा दिख जाए तो दिस मीन्स क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है भी। तो ये पी क्यू आर की वैल्यू आई, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है बाय पुटिंग वाई इज इक्वल टू यू डॉट वी, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, अब इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये वाली जो जर्नल फॉर्म में आई है, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट है जो, वो किस फॉर्म में बन जाएगी, डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस पी डैश इंटू वी इज इक्वल टू क्यू डैश। अब P डैश Q डैश की वैल्यू हमें निकालनी है और U की वैल्यू निकालनी है अभी, ठीक है ना। तो सबसे पहले P डैश निकाल लेते हैं, P डैश की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, Q माइनस वन बाई फोर पी स्केयर माइनस वन बाई टू पी डी पी बाई डी एक्स, ये आपको याद होनी चाहिए अभी। तो Q की वैल्यू ये आई माइनस ट्वेल्व अपॉन एक्स स्केयर माइनस वन बाई फोर, पी का होल स्केयर करोगे टू का स्केयर आया फोर और एक्स माइनस टू का होल स्केयर होगा माइनस वन बाय टू, इसका डेरिवेटिव ये टू को तो एज इट इज रख लो ऊपर, और वन बाय एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस में, माइनस वन बाय एक्स स्केयर यानी कि वन बाय एक्स माइनस टू का होल स्केयर, इस टू से ये टू कैंसिल, फोर से फोर कैंसिल, माइनस में वन बाय एक्स माइनस टू का होल स्केयर और प्लस में वन बाय एक्स माइनस टू का होल स्केयर, तो ये हुए कैंसिल, ओनली क्या बचा माइनस ट्वेल्व अपॉन एक्स स्केयर। ये किसकी वैल्यू आई, पी डैश की वैल्यू आई भी। अब हमें यू की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से जो यू होता है उसको हम क्या लिखते हैं, ई टू द पावर माइनस वन बाय टू इंटेग्रल पी डी एक्स, तो ई टू द पावर माइनस वन बाय टू इंटेग्रल। अब पी की वैल्यू देखिए क्या थी, ये 2 अपॉन एक्स माइनस टू, तो 2 अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो ई टू द पावर नेगेटिव और 1 अपॉन एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग ऑफ एक्स माइनस टू। अब इस नेगेटिव को यहाँ पावर में लेके जाएंगे, एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल, तो एक्स माइनस टू की पावर माइनस वन यानी कि 1 अपॉन एक्स माइनस टू बचा भी, ये यू की वैल्यू आई। अब हमें निकालना है क्यू डैश, जो Q डैश होता है वो R अपॉन U होता है भी, R की वैल्यू क्या है जीरो अपॉन U, जो मर्जी हो हमेशा क्या रहेगा जीरो रहेगा। तो सारी वैल्यू जा चुकी हैं भी। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहता है कि ये मान लिया इक्वेशन नंबर टू है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं P डैश और Q डैश की, तो यहाँ से वैल्यू आएगी डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर। अब देखिए P डैश की वैल्यू माइनस का 12 अपॉन एक्स स्केयर है, तो माइनस 12 अपॉन एक्स स्केयर, उसके बाद साथ में आता है v इज इक्वल टू क्यू डैश, क्यू डैश की वैल्यू क्या है जीरो है, क्लियर। अब इसको ध्यान से देखिए, अब ये फोर्थ चैप्टर के टाइप का क्वेश्चन नहीं बना, क्योंकि देखो यहाँ तो कोफिशेंट कॉन्स्टेंट है लेकिन यहाँ कोफिशेंट एक्स स्केयर के अंदर है, एक्स के अंदर आ गया, तो हम एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे इक्वेशन को, तो एक्स स्केयर डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस, ये बनेगा 12 v इज इक्वल टू जीरो। अब एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए कि आपके माइंड में
कुछ आ रहा है भी, हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चीज को पकड़ पा रहे हैं, दिस मीन्स आपने फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अगर आपने इसको ये नहीं आइडिया हो रहा हम आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं भी आपका फिफ्थ चैप्टर वीक है। अब फिफ्थ चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें क्या थी, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, उसी की तो फॉर्म में है। तो यहां से हम लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, यानी कि ये किसकी फॉर्म में आ गई, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। तो इनका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते थे कि पुट x इक्वल टू e टू द पावर z सच दैट कि जो log x की वैल्यू हो जाए वो क्या हो जाए z, एंड ये जो एक्स स्केयर और डी स्केयर भी dx स्केयर को हम क्या लिखते थे, ध्यान से स्केयर वाला है तो डी डी में से एक माइनस होगा, साथ में अब वाई की जगह क्या आएगा v, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसके अंदर है, v के अंदर, डिपेंडेंट वेरिएबल हम चेंज कर चुके हैं, वहां क्या आता था y आता था माइनस 12 v इज इक्वल टू जीरो, तो ये v कॉमन d इंटू डी डी स्केयर माइनस डी माइनस 12 और ये आया v इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब उसके बाद देखें ये सिंबॉलिक फॉर्म हुई, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये डी स्केयर माइनस डी माइनस 12 इक्वल टू जीरो, तो फैक्टर बनेंगे इसके माइनस का 4 और प्लस का 3 इक्वल टू जीरो, तो डी की वैल्यू आई 4 कोमा माइनस 3 भी। ठीक है, माइनस 3 कोमा 4 आगे पीछे लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, देन सी एफ, यानी कि यहाँ पे सी एफ ही क्या होगा, v होगा, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं है, राइट साइड में जीरो है, तो v की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो ये जो रूट हैं वो किस टाइप के हैं, रियल एंड डिफरेंट, तो c1, अब अगर आपने यहाँ x के अंदर लिख दिया फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम x को e की पावर z पुट कर चुके हैं, तो ये z में आएगा आंसर, c1 e टू द पावर 4z प्लस c2 e टू द पावर माइनस का 3z, तो ये cf आया। लेकिन हमें v किसके अंदर चाहिए था अभी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नीचे, v की वैल्यू चाहिए थी x के अंदर, तो ये आया c1 e टू द पावर z को हमने क्या लिखा था, x और x की पावर क्या बन जाएगा 4 प्लस c2 e टू द पावर z को x, x की पावर क्या हुआ माइनस 3, ये v की वैल्यू आई, तो लास्ट स्टेप हमारा रहता है अब, हैंस द जर्नल सोल्यूशन, जर्नल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन वो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू यू डॉट वी। अब u की वैल्यू चेक कर लीजिए कहाँ पे लिखा था हमने, ये रहा 1 अपॉन x माइनस 2, यानी कि 1 अपॉन x माइनस 2 और v, यानी कि c1 x टू द पावर 4 c2 x टू द पावर माइनस 3 भी। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यानी कि रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। तो अब सिक्स चैप्टर के साथ साथ आपने फोर्थ और फिफ्थ के रूल भी ध्यान रखने हैं, इसमें पता नहीं कब कौन सा रूल लग के खड़ा हो जाए, यानी कि अभी तो देखो दोनों क्वेश्चन में राइट साइड में जीरो है, आगे आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे राइट साइड में भी वैल्यू आएगी, यानी कि फिर हमें पर्टिकुलर इंटेग्रल भी निकालना होगा। अभी तो हम सी एफ निकाल के उसको सीधा वी मान रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर इंटेग्रल यहाँ जीरो है, कहीं आप आगे वाले क्वेश्चन में भी सीधा सी एफ को वी मान दो और वो पी आई आप निकालो ही ना। ठीक है ना, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है डबल डेरिवेटिव प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 1 बाय 3 डीवाई बाय डीएक्स दिस वन इंटू वाई इक्वल टू क्या है 0, इसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे भी। तो आप ये स्टार्टिंग में ही नॉर्मल फॉर्म में गिवन है, यानी कि जनरल फॉर्म बोल सकते हैं आप, तो यहां से हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म के अंदर है, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर की फॉर्म में। अब यहाँ से जब कंपेयर करोगे वेयर पी इज इक्वल टू, ये 1 बाय एक्स की पावर 1 बाय 3 है, तो मैं एक्स की पावर माइनस 1 बाय 3 भी लिख सकता हूँ इसको, वो भी एज इट इज रहेगा। क्यू की वैल्यू ये सारी है, यानी कि 1 बाय 4 एक्स टू द पावर 2 बाय 3 माइनस 1 बाय 6 एक्स टू द पावर 4 बाय 3 माइनस 6 बाय में एक्स स्क्वायर, एंड जो आर है राइट साइड जीरो है, तो क्वेश्चन और भी इजी हो जाते हैं भी। तो उसके बाद
अब पी क्यू आर निकल चुका है, देन अब हम वैल्यू निकालते हैं पी डैश की। पी डैश की वैल्यू क्या होती है, क्यू माइनस वन बाय फोर पी स्केयर माइनस वन बाय टू और डी पी बाय डी एक्स की इक्वल होती है। अभी तो इसको सोल्व कर लेते हैं, क्यू की वैल्यू ये सारी है तो वन बाय फोर एक्स टू द पावर टू बाय थ्री माइनस वन बाय सिक्स एक्स टू द पावर फोर बाय थ्री माइनस सिक्स बाय एक्स स्केयर, क्यू की वैल्यू होगी माइनस वन बाय फोर और p का चाहिए हमें होल स्केयर, तो p का होल स्केयर करोगे तो x की पावर ये क्या हो जाएगा माइनस का टू बाई थ्री, यानी x की पावर माइनस बाय थ्री की पावर टू, टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा। उसके बाद माइनस वन बाय टू, अब इसका डेरिवेटिव, जब डेरिवेटिव करोगे तो वन बाय थ्री पावर आगे माइनस का, यानी कि वो तो क्या बना देगा इसको प्लस और यहाँ क्या आएगा वन बाय थ्री, और x की पावर कितना बचा माइनस वन बाय थ्री में से एक और माइनस करना है तो ये बचेगा माइनस फोर बाय थ्री, और इस माइनस फोर बाय थ्री पावर को मैं अगर डिवाइड में लिखूं तो एक्स की पावर फोर बाय थ्री लिखा जा सकता है, थ्री इंटू टू क्या हो जाएगा सिक्स, तो ये देखो वन बाय सिक्स एक्स की पावर फोर बाय थ्री और वन बाय सिक्स एक्स की पावर फोर बाय थ्री पॉजिटिव नेगेटिव है कैंसिल हुआ। उसके बाद अब देखो ये एक्स की पावर माइनस का टू बाय थ्री था न्यूमरेटर में और ये वन अपॉन इसको डिवाइड में क्या लिखा जा सकता है प्लस का टू बाई थ्री, तो ये वन बाय फोर एक्स की पावर टू बाई थ्री एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ये भी कैंसिल हुआ, तो जो पी डैश की वैल्यू आई वो आई माइनस सिक्स अपॉन एक्स स्केयर। अब हमें निकालना है यू, यू की वैल्यू क्या होती है ए टू द पावर माइनस वन बाय टू इंटेग्रल पी डी एक्स, तो ए टू द पावर माइनस वन बाय टू इंटेग्रल, पी की जो वैल्यू है वो है एक्स टू द पावर माइनस वन बाय थ्री डी एक्स, क्लियर। तो अब देखो माइनस वन बाय टू ये ई की पावर में है ये एज इट इज, अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे पावर में प्लस वन होगा, जब प्लस वन करोगे इसमें माइनस वन बाय थ्री और प्लस वन तो थ्री माइनस वन टू बाय थ्री, तो एक्स की पावर कितना बचा टू बाय थ्री और इसके डिवाइड में भी यहाँ क्या आएगा टू बाय थ्री, टू बाय थ्री को जब ऊपर लेके जाओगे ऊपर तो कितना होगा थ्री और ये टू इंटू टू कितना होगा फोर, यानी कि यहाँ डिवाइड में लिखने की जरूरत नहीं है अभी, तो ए टू द पावर माइनस थ्री बाय फोर एक्स की पावर टू बाय थ्री होगा। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है क्यू डैश की वैल्यू, क्या निकालनी है क्यू डैश, क्यू डैश क्या होता है आर अपॉन यू, अब आर की वैल्यू जीरो है जीरो अपॉन यू करोगे तो जीरो ही आएगा, क्लियर। उसके बाद अब हम लिखते हैं बाय पुटिंग y इज इक्वल टू यू डॉट वी इक्वेशन वन, हम इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, बिकम्स अब जो इक्वेशन वन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस पी डैश वी इज इक्वल टू क्यू डैश, इसको हम इक्वेशन टू मान लेते हैं भी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस पी डैश, पी डैश की वैल्यू नेगेटिव में थी ये रहा माइनस सिक्स अपॉन एक्स एक्स स्केयर, ठीक है, तो यहाँ से माइनस सिक्स अपॉन एक्स स्केयर वी और इज इक्वल टू क्यू डैश तो जीरो है ही, ठीक है, तो ये एक्स स्केयर है। अब वही क्वेश्चन हो गया होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन वाला, एक्स स्केयर से दोनों साइड क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ से एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो ये बना डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर और यहाँ से एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली माइनस का सिक्स बाई वी इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। अब ये किस फॉर्म में आ चुकी है विच इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हो, पुट करते हो एक्स को ई टू द पावर जेड, दिस इंप्लाइज log x इज इक्वल टू जेड, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ d इंटू डी माइनस वन और साथ में v माइनस सिक्स वी इज इक्वल टू जीरो और ये डिफाइन कर देते हैं वेयर x अपॉन d बाई डी एक्स या फिर इसको d बाई डी जेड मान सकते हो, इसको हमने क्या लिया d, ये फिफ्थ चैप्टर का काम हो गया, अभी फिफ्थ चैप्टर आपको आना चाहिए, तो इसमें से v कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा डी स्केयर माइनस डी माइनस सिक्स इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। अब इसकी निकालनी है हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज तो वो क्या बनेगी डी स्केयर माइनस डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, फैक्टर बनाओगे तो डी स्केयर
माइनस ओ सॉरी डी माइनस थ्री और यहाँ से डी प्लस टू इक्वल टू जीरो। चेक कर लीजिए माइनस थ्री और टू माइनस का वन, थ्री और टू माइनस का क्या होगा सिक्स होगा अभी। तो यहाँ से डी की वैल्यू आई एक तो प्लस थ्री और एक माइनस टू। अब राइट साइड में जीरो है पर्टिकुलर इंटीग्रल तो क्या होगा जीरो। तो यहाँ से जो सी एफ है वही हमारा क्या बन जाएगा वी, और वो किस में बनेगा सी वन ई टू द पावर थ्री जेड प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस टू जेड। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए एक्स में, तो सी वन ई टू द पावर जेड को क्या लिखा था एक्स, और ये क्या बना एक्स क्यूब प्लस सी टू एक्स टू द पावर माइनस टू। ये क्या आया वी, और ये आया था भाई यू, ठीक है ना, ये यू था। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा y इज इक्वल टू यू डॉट वी। तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके लिख लेना, यानी कि इसके बाहर ये मल्टीप्लाई में लगा देना, वो हमारा क्या हो जाएगा जर्नल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से उसके बाद जो नेक्स्ट है भी आपके, यानी कि थर्ड के बाद आपका क्वेश्चन नंबर फोर होगा, क्वेश्चन नंबर फाइव होगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स होगा, ये सारे एज इट इज क्वेश्चन हैं। बस देखो स्टेटमेंट तो चेंज होगी, स्टेटमेंट में ये नहीं कहता कि स्टेटमेंट भी एज इट इज उतार के लिख दो फिर फायदा क्या हुआ, स्टेटमेंट चेंज होगी, प्रोसीजर एज इट इज है, राइट साइड में जीरो की बना, काफ़ी सिंपल लेवल के क्वेश्चन हैं। यानी कि एक्सरसाइज के तीन लेवल हैं, एक तो है बिल्कुल इजी लेवल जो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 to 7, उसके बाद है मॉडरेट लेवल जो 8 to 14 है, उसके बाद थोड़ा सा ये मान सकते हो हार्ड कह सकते हो या फिर करने वाले के लिए तो सारी चीज़ें आसान होती है, तो थोड़ा सा लेवल और अप हो जाएगा लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, क्लियर। तो जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है वो आप खुद से ट्राई करेंगे भी, अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं तो वहाँ से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि पर्सनली मैं सभी के डाउट क्लियर कर सकूँ भी। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं पोस्ट डालता रहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार खोल के चेक कर लिया करें कि उसमें कौन कौन से लिंक गिवन है, तो सभी लिंक के साथ ऐड हो जाइए तो वैसे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं उसके अंदर। कई बार क्या होता है कि अगर मैं भी वो प्रॉब्लम ना ले पाऊं किसी वजह से, मैसेज ना देख पाऊं, तो जो आपकी प्रॉब्लम है हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट को वो आती हो, दिस मीन्स वो दूसरा स्टूडेंट आपकी हेल्प कर देगा भी, हाँ ये प्रॉब्लम है आपको और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं मुझे ये आती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी एक क्लास बनेगी वहां पे, जैसे क्लासरूम जैसा मॉल सेट हो गया, तो इस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप भी काफी हेल्प करता है आपके डाउट्स को दूर करने में। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में जरूर ऐड हो जाएं, डिफेक्टिव क्लासेस का जो ऑफिशियल ग्रुप है तो उसके अंदर, क्लियर, उसमें आप जो मर्जी डाउट पूछ सकते हैं, आपको जितना जल्द से जल्द होगा उतना क्लियर करके देंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो का, मैं ये सोल्व करवा देता हूँ। तो वो है डबल डेरिवेटिव 4x सिंगल डेरिवेटिव 4x2y। अब ये नॉर्मल फॉर्म में है, इसको मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ p की वैल्यू 4x है, q की वैल्यू 4x2 है, और जो r की वैल्यू है वो 0 है। लिखना आपने सारा एज इट इज हर एक स्टेप, इसको मैं थोड़ा डायरेक्टली वे में लिख रहा हूँ भी। तो यहाँ से जो p डैश बनेगा, p डैश वही q 4x2 माइनस 1/2, पी का स्केयर करोगे तो 16x2 और माइनस सॉरी यहाँ क्या आएगा 1/4 आएगा, ठीक है, और माइनस 1/2 क्योंकि डेरिवेटिव के साथ क्या आता है माइनस 1/2। पी का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आया 4 आया अभी, ठीक है, 4x का डेरिवेटिव 4। तो दिस मीन्स 2 2 जा 4, ये 2 हुआ, 4 4 जा 16, 4x2 माइनस 4x2 ये कैंसिल, तो p डैश की वैल्यू ओनली क्या आई माइनस 2 आई। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए u, u की वैल्यू होती है e टू द पावर इंटीग्रल 1/2 पी डी एक्स, पी की वैल्यू यानी कि 4x और dx, तो माइनस 1/2 ये 4 बाहर, x का इंटीग्रेशन करोगे तो x2/2 और ये e की पावर में चल रहा है, तो 2 2 4 ये कैंसिल, तो e टू दी पावर माइनस x2 ये किसकी वैल्यू बची u की वैल्यू बची हुई। अब जो q डैश है वो क्या होगा r/u और r की वैल्यू क्या है राइट साइड में 0, तो सारा 0 हो गया। अब नेक्स्ट जो सॉल्यूशन हम लिखते हैं y, पुटिंग y इज इक्वल टू u डॉट v, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो वो डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस पी डैश, पी डैश की वैल्यू क्या है
माइनस टू यानी कि माइनस टू वी इज इक्वल टू क्यू डैश यानी कि जीरो इस फॉर्म में चेंज होगी। अब देखिए अब ये फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। ठीक है तो अब यहां से मैं इसको क्या लिख लेता हूं डी स्केयर माइनस टू और वी हमने कॉमन ले लिया इक्वल टू जीरो, जहां पे आप बता सकते हैं कि जो डी बाई डी एक्स है उसकी जगह आपने कैपिटल डी लिखा है अभी। क्लियर तो इसकी जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो डी स्केयर माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा और डी की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस अंडर रूट टू, तो इसका सोल्यूशन इनकी वी क्या बनेगा रियल है और डिफरेंट है इनकी सी वन ई टू द पावर रूट टू एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस का रूट टू एक्स। ये किसकी वैल्यू आई वी की वैल्यू आई और ये किसकी वैल्यू थी यू की, तो सोल्यूशन क्या होगा वाई इजक्वल टू यू डॉट वी। तो इन दोनों की आपने क्या कर देनी है मल्टीप्लाई कर देनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन हर जगह ये नहीं बनेगा कि फोर्थ चैप्टर का सिंपल सा क्वेश्चन बन गया और राइट साइड में आपको जीरो दिख जाए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए आप चैप्टर फोर्थ पढ़ रहे हो चैप्टर फिफ्थ पढ़ रहे हो या फिर चैप्टर सिक्स, राइट साइड में जीरो दिखा तो बस क्वेश्चन आसान, इसको ऐसे समझ लेना भी क्योंकि उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना पड़ रहा। अगर मैं यहाँ ई टू दी पावर टू एक्स साइन एक्स वगैरह वगैरह लिख देता तो फोर्थ चैप्टर के पांचों केस फिर लागू हो जाते, फिर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ता तो आगे आगे क्वेश्चन में वो भी आएगा। क्लियर तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स इसमें टोटल 22 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के अंदर, तो मैंने 7-7 के पार्ट में इसको डिवाइड किया है ताकि वीडियो शॉर्ट भी रहे जिसको आप आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हर कोई स्किप करता है बस रह गया बोर हो गए यानी कि 10 मिनट के बाद फिर वही यूट्यूब पर आप सॉन्ग सर्च करना शुरू कर देते हैं कि बोरिंग लेक्चर है थोड़ा एक दो सॉन्ग सुन लेते हैं, बाद में आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आप मैथ पढ़ रहे थे। तो इस वजह से कोशिश की जाती है कि थोड़ा कम टाइम में ज़्यादा काम करवाया जाए, तो मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट ये आपको मिल चुका है, नेक्स्ट पार्ट 8 to 14 का होगा और फिर थर्ड पार्ट में 6.2 आपको कंप्लीट करवा देंगे। क्लियर तो डियर स्टूडेंट्स जब तक आपका सेकंड पार्ट नहीं आता तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और जो बातें मैंने आपको बोली है उन पर आप फोकस किए, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल है या फिर आपका चाहे फेसबुक पेज है इस डिफेक्टो क्लासेस का, तो सभी से आप जुड़े, तो सभी में हमें पोस्ट डालता रहता हूँ, कई बार क्वेश्चन डाल देते हैं पोस्ट डाल देते हैं, लिंक भी आपको जल्दी मिलेगा नई वीडियो का और आपकी काफ़ी हेल्प भी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।